नमस्कार ए टू जेड डिशेज उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है चना दाल हो गई तुअर दाल मसूर दाल ये सब दालें तो हम बनाते रहते हैं पर एक जो दाल है ना मैंने काफ़ी जगह और काफ़ी लोगों से सुना है कि मूंग दाल काफ़ी कम लोगों को पसंद आती है पर आज हम वही बनाएंगे मूंग दाल आलू के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गैस को ऑन करके सबसे पहले कुकर रख देना है इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है बस एक कप ये आपको मूँग दाल डाल देनी है ये कच्ची मूँग दाल है इसे हमने वॉश नहीं किया है बस ये मूंग दाल डालकर इसे एक से दो मिनट तक अच्छे से भूनना है जब आप इस तरह से भून लेना आप देखेंगे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ दाल देखिए कुछ इस तरह हो गई हो गई है अच्छे से भून चुकी है तो इसके अंदर हम डालेंगे दो कच्चे आलू छील कर और बीस से काट कर और साथ ही साथ दो गिलास पानी डाल दिया है अच्छे से मिला लिया है और कुकर का ढक्कन देते हुए इसे हम दो से तीन बिसेले के दो से तीन सीटी आने तक पकाएंगे जब तक ये पक रही है ना मैंने मिक्सर जार ले लिया इसके अंदर मैंने तीन हरी मिर्ची काट कर डाल दी है और साथ ही साथ एक छोटे से नारियल के टुकड़े को काट कर डाल दिया दो टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले दो हरी वाली इलायची थोड़े से भुने हुए चने एक चम्मच जितने और एक से दो इमली के टुकड़े मैंने डाल दिए और इन सबको आपको ढककर पीस लेना है पानी वगैरह मत डालना पीसते समय तीन से चार सीटी आ चुकी है और दाल और आलू दोनों ही अच्छे से पक गए तो इसे हम इस तरह से मसल लेंगे यानी कि मैश कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैश कर लिया है गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है एक बड़ा चम्मच इसके अंदर हमने तेल डालना है जैसे तेल गर्म हो जाए चौथाई चम्मच राई चौथाई चम्मच जीरा एक तेज पत्ते को तोड़कर दो बारीक कटे हरी मिर्ची और छः से सात कड़ी पत्ते हल्का सा इसे भून लेना है भूनने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज एक और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है ध्यान रखना प्याज को ज़्यादा लाल होने तक ना भुने बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक इसे आपको भूनना है देखिए इसका कच्चापन दूर हो चुका है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया एक टमाटर कटा हुआ और इसे भी हमें भूनना है अब इसे जब तक इस तरह से भूनते जाओगे ना ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा एकदम नरम अच्छे से भून जाएगा ना तब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट बस इसे भी हमें एक मिनट के लिए भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्याज टमाटर अच्छे से हो गए तो जो हमने ये नारियल हरी मिर्ची वगैरह सबको पीस के रखा था ना वो इसके अंदर डाल दें और इसे भी आपको एक मिनट के लिए भूनना है जितना आप अच्छे से भूनोगे उतनी आपकी ये आलू वाली मूंग दाल बढ़िया बनेगी कुछ इस तरह से हो जाए ना तो ये जो हमने मसल के रखा था ना मूँग दाल आलू को वो इसके अंदर डाल दें और इसे सबसे पहले अच्छे से इस तरह से मिला लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब आती है पानी डालने की बारी तो मैंने दाल और आलू को पकाते वक्त दो गिलास पानी डाला था और अभी भी मैं इसके अंदर दो ग्लास पानी डाल रही हूँ अब देखिए पानी आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा पर ये मूँग दाल है ना तो इसलिए आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा तो दो गिलास मैंने पानी डाल दिया अच्छे से मिला लिया थोड़े से ताज़ी धनिया के पत्ते डाल दिए और इसे लगभग हमें छः से सात मिनट के लिए पकाना है बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहना और इसे अच्छे से पकाते रहना ये दाल इतनी स्वादिष्ट लगती है ना मतलब मज़ा ही आ जाएगा लगभग छः से सात मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बढ़िया सी दाल बनकर तैयार है और ये ना जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाती है क्योंकि मूंग दाल है ना देखिए कुछ इस तरह से हो गई है सच बता रहे ये बहुत बहुत बहुत, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चाय भी इसे गर्म गर्म खाएँ या ठंडी ठंडी आपको ये सच्ची में पसंद आएगी आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं हेल्दी भी है टेस्टी भी है ऐसे रोटी पराठे के साथ या चावल के साथ ले सकते हैं ये बहुत 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 ही मज़ेदार लगती है खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में भी सिंपल। तो ऐसे ट्राई करना और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग